हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रही हूँ। ये सेट का ए का अभ्यास 5 है दोस्तों। इस तरह का सेट 15 से 16 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 आपके अभ्यास है। कुल मिलाकर के 3 से 4 हजार क्वेश्चंस है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपने जो भी थ्योरी सेशन पढ़े हैं, एमसीक्यू अभी तक लगाए हैं, टेस्ट दिए हैं और जो भी नोट्स बनाए हैं, आपने कितना अध्ययन किया है और आप थ्योरी सेशन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस खेल की अंक प्रणाली क्या है? टेनिस खेल की अंक प्रणाली, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉ 15 30 40 गेम, क्या हो जाएगा? लॉ 15 30 40 गेम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो लॉ होता है, शून्य अंक को इसमें लॉ बोला जाता है, एक अंक को 15, दो अंक को 30 और तीन अंक को 40 बोला जाता है, जबकि चौथे अंक के जीतने पर खिलाड़ी एक गेम जीत जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर के एक धावक का ऑफिशियल समय क्या होगा यदि तीन अलग अलग टाइम कीपर का समय क्रमशः 11:45, 11:48, 11:41 सेकेंड है? तो दोस्तों, यहाँ पे जब तीन अलग अलग टाइम कीपर है, तो उसमें से मध्य का जो होगा, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा और सबसे कम के बीच में जो होगा, यानी कि 11:41 और 11:48 के बीच में कौन है? 11:45, तो उसका लिया जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द डबल फॉल्ट संबंधित है। तो दोस्तों, डबल फॉल्ट जो होता है, यह शब्द जो है डबल फॉल्ट किससे रिलेटेड है? तो डबल फॉल्ट जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। दोस्तों, डबल फॉल्ट जो है वह वॉलीबॉल और टेनिस दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डबल फॉल्ट जो है वॉलीबॉल और टेनिस दोनों में प्रयोग किया जाता है। एंड जो डबल फाउल होता है वो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। और एक होता है लेट शब्द, जो बार बार पूछा जाता है। लेट जो है बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस, तीनों एकल खेलों में खेला जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक सिमिलर शब्द है, जैसे कि डेड बॉल हो गया, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में प्रयोग होता है। तो जो बार बार जो फॉल्ट शब्द है, फॉल्ट शब्द एक होता है जो बैडमिंटन और टेनिस में प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, फॉल्ट शब्द बैडमिंटन टेनिस में, लेट शब्द बैडमिंटन टेबल टेनिस टेनिस में, एंड डबल फॉल्ट वॉलीबॉल और टेनिस में। ठीक है, और डबल फाउल बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है, हिटिंग ऑन रॉक फूट कौशल किस से खेल से संबंधित है? यह भी है आपका टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है दोस्तों? तो दाल, मूंगफली, अंडा, सोयाबीन में, इसमें सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। नेक्स्ट है, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक में सेक्टर का एंगल कितना होता है दोस्तों? तो शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक में सेक्टर का एंगल जो होता है वह 34.92 अंश होता है। जैसा कि शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, तीनों में जो सेक्टर का एंगल होता है 34.92 होता है। एंड जेवलिन थ्रो के जो सेक्टर का एंगल होता है 29 अंश होता है। नेक्स्ट है, किस चीज की कमी से रतौंधी की बीमारी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी धुंधला दिखता है। किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, इसमें हमारा जो रोड सेल होता है, जो अंधेरे उजाले में फर्क दिखाता है, वो प्रभावित होता है। रोड सेल में जो रेडॉप्सिन लेयर होती है वो खराब हो जाती है, इसीलिए रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हार्वर्ड स्टेट टेस्ट एक परीक्षा है जो क्या मापता है? तो दोस्तों, हार्वर्ड स्टेट टेस्ट जो होता है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी कि हृदय और फेफड़ों की जो
सहन क्षमता होती है उसको मापता है कौन, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट। दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर हार्वर्ड स्टेट टेस्ट, हार्वर्ड स्टेट टेस्ट को दोस्तों बनाया था ल्यूसी ने ब्रोहा ने 1943 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के स्टूडेंट्स पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। और इसमें जो है एक बेंच का प्रयोग किया जाता है जिसे पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर का ऊंचा होता है और महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर का ऊंचा होता है। इसमें किया कहा जाता है कि सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट तक सिटअप सिट डाउन सिटअप सिटअप सिट डाउन करेंगे 1 मिनट में 30 सिटअप, उसके बाद 5 मिनट अभ्यास करने के बाद 1 मिनट तक आराम करेंगे, उसके बाद 30 सेकेंड का पल्स काउंट करेंगे, फिर 30 सेकेंड रेस्ट लेंगे, फिर 30 सेकेंड पल्स काउंट करेंगे, फिर 30 सेकेंड रेस्ट लेंगे। इस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। और इसको निकालने का सूत्र होता है PEI यानी फिजिकल फिटनेस इंडेक्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे सो अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट्स ड्यूरिंग रिकवरी गुणे सो, ये आपका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया में लैक्टिक एसिड तंत्र कार्यरत रहता है, तो ये कार्यरत बोला है, तो यहाँ पे 1500 मीटर जो दौड़ होता है इसमें लैक्टिक एसिड तंत्र कार्यरत होता है, इससे आगे की दौड़ों में उस चीज को ओवरकम कर जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 12 मिनट कूपर रन या पैदल चाल यानी कि वॉकिंग परीक्षण मापता है, तो जो कूपर का बनाया हुआ 12 मिनट वॉकिंग है दोस्तों यह भी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है। और जो आपका 12 मिनट रन वॉक है इसको कूपर ने 1970 में कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए बनाया। एंड दोस्तों कूपर का एक और है जैसे कि 12 मिनट स्विमिंग, 12 मिनट साइकिलिंग, 12 मिनट जॉगिंग, इसको उन्होंने 1982 में बनाया। ठीक, नेक्स्ट है अधिक ताकत वाली क्रियाओं के लिए हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कहा है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेंथ में हमारी मांसपेशियां बिल्ड होती है, बॉडी बिल्डर बनती हैं, तो बॉडी बिल्डर के लिए हमेशा प्रोटीन की जरूरत होती है। यहाँ पे एंड्योरेंस वाले गेम होता है एथलीट के लिए होता तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाता, यहाँ पे अधिक ताकत यानी कि स्ट्रेंथ की बात बोल रहा है, तो स्ट्रेंथ मांसपेशी बिल्ड होती है तो शरीर निर्माण करने का काम सबसे ज्यादा प्रोटीन करता है, तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो दोस्तों स्कूल छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता जो है वो है सुब्रतो कप, कौन है सुब्रतो कप, ये संतोष ट्रॉफी जो है संतोष ट्रॉफी सीनियर पुरुष के लिए है, इसके लिए फुटबॉल है, फुटबॉल में बहुत सारी ट्रॉफियां हैं जैसे कि सीनियर पुरुष के लिए संतोष ट्रॉफी 1941 में, जूनियर पुरुष के लिए डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, सब जूनियर पुरुष के लिए मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी एंड अंतर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय यानी स्कूली छात्रों के लिए सुब्रतो कप है, और सीनियर महिला के लिए इसमें है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी है फुटबॉल के अंतर्गत आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इसके अतिरिक्त आपको मेन मेन पॉइंट इसमें याद करना है कि फुटबॉल के अंतर्गत और कौन कौन से कप एंड ट्रॉफी आते हैं, जैसे चकोला गोल्ड ट्रॉफी, फीफा कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, फेडरेशन कप, नेहरू कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, ठीक है, IFA शील्ड कप, DCM कप, शैक कप, कोपा कप, लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, ड्रंड कप, राजीव गांधी गोल्ड कप, कलिंगा कप, सीजर्स कप, नागीजी ट्रॉफी, विठल ट्रॉफी, टार्ड मेमोरियल ट्रॉफी, पैसिफिक कप, ये सभी रिलेटेड हैं आपके फुटबॉल से। नेक्स्ट है दोस्तों क्लीन एवं जर्क एंड स्नैच संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट है विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक ही परीक्षण के प्राप्त अंकों के बीच समरूपता ज्ञात की जा सकती है, तो दोस्तों यह ऑब्जेक्टिविटी से के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो किसी भी परीक्षण के लिए आपके पास रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, ये पांच चीजें होना चाहिए। आपका रिलायबिलिटी जो होता है इसमें क्या होता है कि किसी समूह पर एक ही परीक्षण को बार बार प्रयोग किया जाता है और हर बार उसकी जो
जो परिणाम है वो सेम आए तो उसको रिलायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, और वैलिडिटी क्या होता है, यानी कि जो वैधता होती है उसमें ये देखा जाता है कि जो परीक्षण जिसलिए बनाया गया है क्या वही चीज वो मेजर कर रहा है कि नहीं, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये वैलिडिटी यानी वैधता में देखा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी में क्या किया जाता है कि कोई परीक्षण बनाया गया तो उसके सिद्ध करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, मतलब जो उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, तो वो लोग जो प्रशिक्षक होते हैं परीक्षा के लिए बुलाया जाता है सर्वश्रेष्ठ लोगों को, वो सभी एक परिणाम बताते हैं तो माना जाता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी भी उसका अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा दर्शन प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह व्यवहारिक वास्तविक जो है प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंटिज्म ड्यूइज्म के नाम से भी जाना जाता है प्रयोगवाद को। यह इसके प्रवर्तक है जॉन डेवी, यह अनुभव को ही मेन चीज मानता है और जिसमें आपको ये ध्यान रखना है यथार्थवाद यानी रियलिज्म के प्रवर्तक हैं अरस्तु, प्रकृतिवाद के हैं रूसो, आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म के हैं प्लेटो, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेचर स्वीडिश मसाज के पिता कौन है? तो स्वीडिश मसाज के पिता हैं पर हेनरिक लिंग। नेक्स्ट है, इनमें से जिम्नास्टिक का कौन सा उपकरण महिला जिम्नास्टिक उपकरण नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपका फ्लोर एक्सरसाइज महिला से संबंधित है, वॉल्टिंग हॉर्स टेबल भी है, बैलेंस बीम भी है, लेकिन पामेल हॉर्स ये पुरुष जिम्नास्टिक से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि जिम्नास्टिक के पुरुष और महिला दोनों को याद रखने का मैंने ट्रिक बताया हुआ है एक वीडियो में जिम्नास्टिक वाले, तो उसको आप देख लीजिएगा जिससे आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि महिला के लिए कौन है पुरुष के लिए कौन है। तो महिला के लिए 4 स्पर्धाएं होती हैं और पुरुष के लिए 6। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी हड्डी व्यक्ति के लिंग ज्ञात करने में सहायक होती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेल्विक की अस्थि यानी हिप की अस्थि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बैक स्ट्रोक, और सभी इसके अलावा सब स्ट्रोक पूल के अंदर से बाहर से शुरू होता है, बैक स्ट्रोक नहीं शुरू होता है, आपको इसमें ध्यान देना है। जैसे कि तैराकी जो है बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, 4 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, लेकिन यहाँ पे सबसे तेज तैरने की तकनीकी कौन है? वो है आपका फ्री स्टाइल। कौन है? फ्री स्टाइल। सबसे तेज दौड़ने की तकनीकी है फ्री स्टाइल, उसके बाद बटरफ्लाई, उसके बाद बैक स्ट्रोक, सबसे लास्ट में ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी उम्र यौवन से संबंधित है? तो दोस्तों उम्र ज्ञात करने के लिए आपके एनाटॉमिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज एंड आपका फिजियोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज 4 प्रकार की होती है। तो जो हमारा क्रोनोलॉजिकल एज होता है, वास्तविक आयु होता है, जो हम जन्म से लेकर अभी तक का जो वायु होता है, आयु होता है, जैसे कि अभी स्कूल में लिखवाते हैं कि इतना एज, ये आपका होता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। उसके बाद आपका होता है एनाटॉमिकल एज, जिसमें कि हम हड्डियों के या दांतों को गिनकर उम्र को पता करते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल एज होता है उसमें हार्मोन्स बैलेंस जो होता है, स्रावित हो जो होता है, उसके आधार पर हम उम्र यौवन से संबंधित हम उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एज उम्र। ठीक है, फिजियोलॉजिकल उम्र। एक होता है मेंटल एज, मेंटल एज में आपको बालक का मेंटल मतलब कितना है वास्तविक आयु और मेंटल एज दोनों को निकाला जाता है। तो IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेटेंट बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, MA/CA गुणे 100 होता है आपका मेंटल एज ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट है, डायनेमोमीटर वह उपकरण है जो मापा जाता है। तो डायनेमोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों?
या स्ट्रेंथ यानी शक्ति मापा जाता है इसे, तो मांसपेशियों की शक्ति यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशियों की शक्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और संधियों को कोण को मापता है गोनियोमीटर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा लचीलापन को। नेक्स्ट है ओलंपिक के झंडे का आधार रंग क्या होता है दोस्तों, दुधिया सफेद होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों त्वरण के नियम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों लॉ ऑफ एक्सीलरेशन ए न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसको आवेग का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। न्यूटन ने तीन लॉ दिया है, कौन कौन से तीन लॉ हैं आपके, फर्स्ट लॉ है जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम, सेकेंड लॉ है आपका त्वरण का नियम या मोमेंटम या लॉ मोमेंटम का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन रूल्स। इन तीनों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक वर्गीकरण है, तो आप समझ गए होंगे कई बार इसको डिटेल में बताया गया है कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक के बारे में। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रिक यानी कि पेशी की लंबाई घटना और इसेंट्रिक मतलब पेशी की लंबाई बढ़ना, तो किस एक्सरसाइज में आपका लंबाई पेशियों की घटती बढ़ती है, तो आइसोटोनिक में, किसमें, आइसोट्रोनिक कंट्रक्शन में। और जो आइसोमेट्रिक होता है उसमें मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है, कोई चेंज नहीं होता है, तनाव बना रहता है। आइसोकाइनेटिक में सेम गति होता है, जैसे कि दोस्तों आपको बताया गया है कि जो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है उसको डेवलप करने की तीन विधियां होती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक जो होता है इसकी खोज किया था ली डोनी ने 1953 में, इसमें सेम तनाव बना रहता है और पेशी की जो गतियां होती हैं, पेशी की लंबाई बढ़ती है घटती भी है, ठीक है। और इसमें कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन वॉल थ्रो, उपकरण के साथ व्यायाम, अभिनय उपकरण दोनों के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। यह शक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आइसो मतलब सेम और मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई होता है, कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई गति प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है, जैसे दीवार को धक्का मारना। आइसोकाइनेटिक जो होता है दोस्तों, आइसोमेट्रिक की खोज है हेटिंगर और मूलर ने 1954 में किया था। जो तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, इसकी खोज जेम्स फेरिन ने 1968 में किया था। आइसोकाइनेटिक जो होता है पेशियों की सहायता से, मशीनों की सहायता से किया जाता है, इसमें सेम गति होती है, पानी वाले खेलों में ज़्यादा होता है दोस्तों, जैसे कि रोइंग, नाव खेना, तैरना आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमडक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है, तो रोटेशन है हाइपर एक्सटेंशन दोनों के मिलने से सर्कमडक्शन मूवमेंट बनता है, जैसे कि हमारी जो ज्वाइंट मूवमेंट्स होती है कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, जैसे कि आपका सुपाइनेशन, प्रोनेशन और क्या कहते हैं एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब आपकी गतियां हैं। नेक्स्ट रंगास्वामी कब संबंधित है, तो रंगास्वामी कब किससे संबंधित है दोस्तों, पुरुष हॉकी से कि महिला हॉकी से, आपको ये ध्यान में रखना है। तो हॉकी से रिलेटेड है, मान लिया आपने जान भी लिया कि हॉकी से रिलेटेड है, अब आपको ध्यान में रखना है पुरुष हॉकी से रिलेटेड है कि महिला हॉकी से, ठीक है। तो यह है आपका रंगास्वामी कप जो है वो पुरुष हॉकी से रिलेटेड है, किससे है, पुरुष हॉकी से, और महिला हॉकी से है लेडी रतन टाटा कप, ठीक है, लेडी रतन टाटा कप। नेक्स्ट दोस्तों शब्द क्यों संबंधित है, क्यों शब्द जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बिलियर्ड से संबंधित है, किससे संबंधित है क्यों शब्द, बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है, क्यू शब्द है बिलियर्ड से रिलेटेड। बिलियर्ड से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जैसे कि जिगर पार्ट आदि, जिगर पार्ट ये दोनों शब्द याद रखिए, और क्यू ये आपका बिलियर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों पायोली एक्सप्रेस संबंधित है, तो दोस्तों पायोली एक्सप्रेस आपको पीटी उषा को कहा जाता है, जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली महिला 1980 मॉस्को रूस में बनी थी। नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि पीटी उषा जो है वर्तमान में आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष बनाई गई हैं, ये भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला हैं। नेक्स्ट दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों यह 1956-57 में स्थापित हुआ और
इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। और प्रथम विजेता जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, और 2022 का विजेता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर पंजाब में है। और अभी तक में सबसे ज़्यादा किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी को जीता है, तो 23 बार अभी सबसे ज़्यादा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीता है। पहली बार किसने जीता था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कितना धनराशि दिया जाता है? 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षण के दौरान दो भारों के बीच दिए जाने वाले आराम को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आसन से सुधारी जा सकती है। दोस्तों योगासन की जब भी बात करें आप लचीलापन में चले जाइएगा, फ्लेक्सिबिलिटी में चले जाइएगा। तो आसन से क्या सुधारा जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। नेक्स्ट है अष्टांग योग के प्रथम चार रूप का सही क्रम क्या है? दोस्तों अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत 8 योग को बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहाँ पे 5 का सही क्रम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें से कौन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह विंडोज 7 है। नेक्स्ट है इनमें से कौन साई की एक स्पोर्ट्स स्कीम है? तो कौन है दोस्तों साई की इसमें एक स्पोर्ट्स स्कीम? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट। जैसा कि दोस्तों साई की स्थापना 25 जनवरी 1884 में हुआ था, 25 जनवरी 1984 में साई की स्थापना हुआ था। और साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका नाम चेंज करके 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, SAICA अथॉरिटी शब्द हटा दिया गया है, सीधे SI यानी स्पोर्ट इंडिया कर दिया गया है। नेक्स्ट है एक फुटबॉल मैच का सही समय अंतराल कितना होता है? तो 90 मिनट का गेम होता है, 45-45 मिनट के दो हाफ में होता है, 15 मिनट का आपका ये मध्यांतर होता है। नेक्स्ट है शब्द फ्री थ्रो किससे रिलेटेड है? तो फ्री थ्रो जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के नियंत्रण रखने वाली आधिकारिक संस्था है? तो दोस्तों ये है आपका FIFA यानी कि फीफा, ठीक है। फीफा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली क्या है? संस्था है। फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था है। फीफा की स्थापना जो है 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, और प्रथम अध्यक्ष थे गुरीन फ्रांस के, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? आप सबको पता है USA यानी अमेरिका का है। नेक्स्ट दोस्तों फीना अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, तो किसका है? दोस्तों जैसे स्विमिंग यानी तैराकी का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है इनिकस तथा स्टेपस अस्थियाँ कहाँ पे पाई जाती है? या कान के अंदर पाई जाने वाली अस्थियाँ हैं। स्टेपस जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, और सबसे लंबी अस्थि हमारे फीमर जांग की है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एंडोमोर्फ क्या दर्शाता है? तो एंडोमोर्फ क्या दर्शाता है? एंडोमोर्फ मतलब गोलकाय शरीर। एंडो मतलब मोटा, कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति रखने वाला, आलाम तरफ, विनोद प्रिय, मिलनसार, इस प्रकार के जो है एंडोमोर्फिक आते हैं। तो ये आपको इसमें कौन दर्शाता है? तो इसमें आपको इस विशेषता को यहाँ पे दर्शाएगा पिकनिक, ठीक है। पिकनिक जैसे कि क्रेसलर ने 3 बॉडी टाइप बताए हैं, पिकनिक, एथलेटिक, अस्थैनिक, एक चौथा बताया है डायट प्लास्टिक, जो तीनों की विशेषता का मिश्रण होता है। और सेल्डन ने 3 प्रकार की बॉडी टाइप बताया है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक, और क्रेसमैन ने बताया है पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। तो जो आपका विशेषता की बात करें तो दोनों में कंपेरिजन करें सेल्डन और क्रेसमर की, तो सेल्डन के जो एंडोमोर्फिक की विशेषता है वही विशेषता क्रेसमर के पिकनिक की है, और जो सेल्डन की मेसोमोर्फिक की विशेषता है वही क्रेसमर की एथलेटिक की है, और जो सेल्डन के एक्टोमोर्फिक की विशेषता है वही क्रेसमर के अस्थेनिक की है। यानी आपको सीक्वेंस में याद करना है क्रेसमर ने की बॉडी टाइप पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक,
और शेल्डन का एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। तो इस तरह दोनों में कंपेरिजन में पूछेगा कि इस कौन दर्शाता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। एंडोमोर्फिक का मतलब होता है शरीर मोटा कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम और तथा तलब यानी विरोध प्रिय मिलनसार। एंड मेसोमोर्फिक यानी पेशी प्रधान संरचना होता है जिसमें मजबूत शरीर, जहाँ पे मजबूत शब्द आ जाए वहाँ हमेशा मेसोमोर्फिक होगा, पेशियाँ मजबूत होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा, मतलब हर एक चीज में वो अच्छा होता है आपका मेसोमोर्फिक वाला। और अस्थि, तीसरा होता है एक्टोमोर्फिक। एक्टोमोर्फिक जो दुबला पतला शरीर वाला, अस्थि प्रधान संरचना, जहाँ पे आपको बोन की बात आए, अस्थि की संरचना की बात आए, वहाँ एक्टोमोर्फिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यदि सीखने का उद्देश्य गामक क्रियाओं का सीखना है तो यह दर्शाता है, तो दोस्तों यदि सीखने का उद्देश्य गामक क्रियाओं का सीखना है तो वो मोटर लर्निंग के अंतर्गत आएगा, तो साइको मोटर लर्निंग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का स्वीडिश प्रशिक्षण स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है, तो आप सबको पता है फॉर्टलेक प्रशिक्षण को जाना जाता है, और यह एंडोरेंस को डेवलप करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सीखने के नियम एवं सिद्धांत लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आसान ही ऐसा दिया है कि इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सीखने के नियम बायोकेमिस्ट्री ज्ञान से, कि मानव एनाटॉमी ज्ञान से, कि मानव व्यवहार के ज्ञान से, तो मानव व्यवहार के ज्ञान से लिया जाता है सीखने के सिद्धांत, इसके सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। नेक्स्ट है, WHO का स्वास्थ्य के प्रति क्या विचार है, दोस्तों WHO का स्वास्थ्य के प्रति विचार है कि पूर्ण रूप से कुशलता, यानी WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि केवल बीमारियों से ठीक होना ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, सभी रूप से स्वास्थ्य को ही उन्होंने स्वास्थ्य कहा है, केवल बीमारी से छुटकारा पाने को ही स्वास्थ्य नहीं कहा है, तो पूर्ण रूप से कुशलता यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट है तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी, दोस्तों तो यहाँ मीटर में आपको कन्वर्ट कर लेना है, 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर, 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर, तो आपको ये चीज याद रहेगा तो दूसरा याद हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 13.41 मीटर हो जाएगा, इसकी लंबाई अगर 44 फीट है तो मीटर में आपका 13.41 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बट विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है, गोल्जी टेंडन ऑपरेटस क्या है, तो दोस्तों यह एक काइनेस्थेटिक सेंस का एक अंग है, क्या है, काइनेस्थेटिक सेंस का एक अंग है। काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने गर्म चीज पर हाथ है रखते ही फटाक से अपना हाथ हटा देते हैं, ये किस कारण से होता है, काइनेस्थेटिक सेंस के कारण होता है, तो इसी का काम करता है गोल्जी टेंडन ऑपरेटस। नेक्स्ट है आपका, किस खेल में लिबरो का उपयोग होता है दोस्तों, तो लिबरो का उपयोग आपको वॉलीबॉल में किया जाता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की एंजाइटी यानी चिंता होनी चाहिए, तो दोस्तों चिंता न तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, मीडियम लेवल का होना चाहिए, ऑप्टिमम एंजाइटी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं और बाहर से नहीं पूछा जाएगा, डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आप नोट्स बनाए हुए हैं उसका बार बार रिविजन कीजिए, यही आपके सफलता का मूल मंत्र है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।